होम। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया, परिवारों से साथ रहते रहते अलग अलग कमरों में रहे, सेपरेट रहे। सेपरेट रहते भी वो अपने आप को सेपरेट नहीं कर सके, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन था। फिजिकल आइसोलेशन से आपके अंदर पावर जागृत नहीं हुई, जिस पावर की आपको आवश्यकता थी। जब तक वो पावर जागृत नहीं होगी, तब तक आपके अंदर जो सुखद अनुभव की बात है वो नहीं आ सकता। मेरा अपना एक्सपीरियंस इस COVID-19 के साथ, स्पिरिचुअलाइजेशन के साथ, आध्यात्मिक के साथ और परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुभव से, जो आइसोलेशन को महसूस किया गया वो विभिन्न माध्यमों से महसूस किया गया। परमात्मा ने कहा कि बच्चे, आने वाले समय में वो समय आएगा जब लोग एक दूसरे को बात भी नहीं करेंगे। वो आज हमने देखने को मिल गया। बात करना तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे को छूते नहीं हैं। हम ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के लोग ओम शांति शब्द नमस्कार के द्वारा करते हैं। अपनी पहचान और आपकी पहचान, आत्मिक स्वरूप की पहचान को हाथ जोड़कर एक दूसरे को दृष्टि के माध्यम से बिना टच किए जो कहना होता है वो आंखों ही आंखों में कह सुन लेते हैं। लेकिन है क्या, ये समझने के लिए आपको पावर की आवश्यकता है। वो पावर तभी आएगी जब आप अपनी स्पिरिचुअल और इंटरनल पावर को डेवलप करेंगे। इस COVID-19 के वायरस की चर्चा के दौरान जब से लॉकडाउन लगा, तब से घरों में कैद रहना, घरों में रहना लोगों का कुछ लोगों की मजबूरी हो गई, कुछ लोगों का शौक हो गया। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को बहुत परेशानी हुई। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि इस लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने अपने आप को जानना चाहा, अपने आप को पहचानना चाहा, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जान भी गए और पहचान भी गए। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, रुपये पैसे से धनवान व्यक्ति हो, ताकत में पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ कुछ समय अकेला रहा, परिवार के लोगों के बीच में बैठा, तो परिवार के साथ कैसे प्यार बांटा और लोगों के साथ कैसे व्यवहार रहता है, उसमें उसने परिवर्तन महसूस किया। उस परिवर्तन से बहुत सा कन्वर्जन भी हुआ। स्वयं की सोच को डेवलप किया और स्वयं की सोच के साथ साथ दूसरों की सोच को डेवलप करने का भी काम किया। लेकिन करने वालों ने किया, जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने सिर्फ आराम किया। उन्होंने कहा आराम करो, छुट्टी मिल गई है, काम नहीं करना है। लेकिन काम करने वालों ने, जिनको मीडिया के माध्यम से वर्क करना था किया, जिनको फिजिकली वर्क करना था किया, बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने बहुत से कारोबार किए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस परिवार वालों ने आध्यात्मिकता के द्वारा वो काम किया जो दिखता नहीं है लेकिन इफेक्टिव होता है, लोगों तक संतुष्टि पहुंचाने का काम किया। क्यों? ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के बच्चों के पास वो ताकत है, परमात्मा परमपिता से, सुप्रीम पावर से जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति दूसरों तक ट्रांसफर करने की क्षमता है। उस क्षमता से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट तो नहीं किया, लेकिन सेव करते हुए दूसरों तक
वो दिया जिसकी उनको आवश्यकता थी, योग के माध्यम से, मनसा द्वारा के बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए। सेल्फ में क्वारंटाइन होकर अपने आश्रम पर एक रूम का फ्लैट है उसमें बैठकर परमपिता परमात्मा का ध्यान किया। उसको ध्यान करके इस कोविड 19 से जूझ रहे लोगों को क्षमता प्रदान करें, ये ताकत दी। इसके साथ साथ बहुत से भाई बहनों ने वो एक्सपीरियंस अनुभव किया कि ये कोविड 19 के जैसी बीमारी अगर सिर्फ कुछ समय के लिए आने वाली हो तो 3-4 साल बाद अभी आती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि इसका कोई समाधान नहीं है, आइसोलेशन के अलावा, सेल्फ क्वारंटाइन के अलावा, सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ सेफ्टी के अलावा, तो ये साइंस तो फेल नज़र आती है। तो जब साइंस फेल होगी तो स्पिरिचुअलिटी काम करेगी, क्योंकि परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की याद व्यक्ति को तभी आती है जब उसके हाथ से सारी शक्तियाँ निकल जाती हैं। तब सोचता है परम सत्ता, परम शक्ति एक है, वही सारे काम कर सकती है। ओम।